हेलो, मेरा और सारा का डिनर का प्लान है, तो अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो मैं तुम्हें पिक कर लूँ आकर। मेरा मूड नहीं है, तुम दोनों चली जाओ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, बहुत गुस्सा है मुझे, मैं कुछ दिल नहीं चाह रहा करने, दिल चाह रहा हर चीज को आग लगा दूँ। तो तुम कबीर और नवाल वाली बात को लेकर अभी तक परेशान हो, राइट? जाहिर सी बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये कैसे मुमकिन है। वो दोनों तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे और उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था कि ये शादी का क्या तुक बनता था। कैसे कर सकते हैं वो लोग ये शादी? तुम्हें याद है तुमने इन दोनों के साथ कितनी बदतमीजी की थी होटल में? हाँ, तो और क्या करती मैं, कैसे बली में पर आकर इतना तमाशा किया और वो गिफ्ट बॉक्स हमजा के मुंह पर दे मार, इतनी बेइज्जती हुई हमारी। वैसे भी जो उनके साथ हुआ ना वो यही डिजर्व करती थी। हो सकता है उन्होंने तुम्हारी बातों की वजह से सोचा हो कि जब इतनी बदनामी हो गई है तो शादी कर लेते हैं, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। मैंने इतनी मुश्किल से हमजा और नवाल में बदगुमानियां पैदा की, मैंने यही शो करवाया था कि नवाल और कबीर के बीच में कुछ चल रहा है, पसंद करते हैं वो एक दूसरे को। वो सब तो सिर्फ बदगुमान करने के लिए था, मुझे क्या पता था कि वो सच में शादी कर लेंगे। कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे बहुत गुस्सा है इस वक्त। मैं उन लोगों को फिर भी सुकून से रहने नहीं दूंगी, अजाब कर दूंगी उन सबकी जिंदगी। कैसे कर सकते हैं वो लोग शादी? मैं तुम्हें एक मशवरा दूं फलक, देखो तुम्हें हमजा चाहिए था, वो तुमने हासिल कर लिया। अब नवाल और कबीर क्या करते हैं क्या नहीं उनको उनके हाल पर छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी इस तरह। आई समझ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ साथिया तूने धोखा दिया।